हिंदी ग्रामर में आज हम लिंग देखेंगे। आपने हिंदी की टेक्स्ट बुक बनाई होगी, उसमें आपको ये लिखना है। व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। इस तरह संसार के सभी प्राणियों को हम पुरुष जाति और स्त्री जाति में बांट सकते हैं। पुरुष जाति को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति को स्त्रीलिंग कहते हैं। हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस पद से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, कुत्ता, चूहा। और जिस पद से स्त्री जाति का बोध होता हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, कुतिया, चूहिया। लिखना है। अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं कि शब्द पढ़िए और समझिए। शब्द है देवर, देवरानी, सेठ, सेठानी, रुद्र, रुद्राणी, जेठ, जेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्रानी। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग शब्द के अंत में आनी, आणी लगाने से स्त्रीलिंग बनता है। तो हमने देखा कि इन शब्दों देवर के पीछे देवरानी आनी शब्द लगाने से स्त्रीलिंग लिंग परिवर्तन हो जाता है। आगे के शब्द देखते हैं। भाग्यवान, तो उसका लिंग परिवर्तन किया है भाग्यवती। रूपवान का रूपवती, बलवान बलवती, पुत्रवान पुत्रवती। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में वान का वती करने से, जैसे कि भाग्यवान, उस वान का लिंग परिवर्तन किया है भाग्यवती, तो ऐसे करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। आगे शब्द है बुद्धिमान, उसका लिंग परिवर्तन किया है बुद्धिमती। श्रीमान, तो श्रीमती। इस प्रकार शब्द के अंत में मान, श्री बुद्धिमान का मति यानी बुद्धिमती करने से स्त्रीलिंग रूप बनता है। आगे शब्द है नेता, उसका लिंग परिवर्तन किया है नेत्री। कि पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे कि नेता शब्द का नेत्री। उस प्रकार से अभिनेता, तो उसका लिंग परिवर्तन अभिनेत्री। ऐसे ही अन्य उदाहरण है कर्ता, तो कर्ती। विधाता, विधात्री। इस प्रकार से पुल्लिंग शब्द के अंत में ता का त्री करने से स्त्रीलिंग बनता है। आगे शब्द है रोगी, रोगिणी। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के अंत में नी जोड़ने से स्त्रीलिंग बनता है। नी प्रत्यय लगाने से पहले मूल शब्द को इकारांत में बदलना होगा, जैसे रोगी शब्द का रोगी। अब इसमें रोगी शब्द में जो गी शब्द है उसका इकारांत बदल दिया है रोगिणी और नी प्रत्यय लगाया है। इसी प्रकार से सभी शब्दों में स्वामी
में स्वामी नी प्रत्यय लगाया है और स्वामी शब्द में मी का ई कारांत बदल दिया है। उसी प्रकार से आगे शब्द जो है वाहन, तो उसका वाहिनी, सौभाग्यशाली तो सौभाग्यशालिनी। आगे है शब्द फूलदान, उसका लिंग परिवर्तन करते हुए फूलदानी। पुल्लिंग शब्द के अंत में ई जोड़ने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। फूलदान में फूलदानी ई प्रत्यय जोड़ा गया है, वैसे ही चायदान का चायदानी। आगे है शब्द दिए गए हैं वर वधु, विद्वान विदुषी, सम्राट साम्राज्ञी, पति पत्नी, सास ससुर, साधु साध्वी, विधुर विधवा, ननद ननदोई, नर नारी। ऊपर जैसे कई शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका लिंग परिवर्तन करने के लिए शब्द का पूर्ण परिवर्तन करना पड़ता है। अब उपर्युक्त उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कीजिए। शब्द दिए गए हैं साधु, कुतिया, युवक, पुत्र, पड़ोसिन, बाग, ठाकुर, सन्यासी, सम्राट, वर। अब इन उदाहरणों के आधार पर आपको इन शब्दों का लिंग परिवर्तन आपके हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है।